वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपकी तो नए वीडियो में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम रिव्यू करेंगे एक मूवी का जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई है एंड ये नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग पे चल रही है, जिसका नाम है महाराज। जिसका कहना ये है कि धर्म भगवान बनने का रास्ता नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान बनने का रास्ता है, जो कि एक्चुअल में सही बात है। सो आइए बात करते हैं इसी मूवी के बारे में। सो मूवी की ड्यूरेशन 2 घंटे 11 मिनट के आसपास वेरी करती है एंड ये स्टोरी बेस्ड है करसरदास मूल जी के ऊपर, जिन्होंने हो रहे धर्म के नाम पे अत्याचारों को कैसे रोका उसी बारे में मूवी पूरी बेस्ड है। जहां मूवी की शुरुआत होती है करसरदार मूल जी के जन्म से एंड टाइम पीरियड था 1832 इन गुजरात एंड बचपन में उनकी मां की डेथ के बाद उनके डैड उन्हें अपने मामा के घर भेज देते हैं, जहां करसरदार मूल जी को बचपन से ही सवाल पूछने की इच्छाएं होती हैं एंड इन्हीं सवाल पूछने की क्यूरियोसिटी ने वहां के गांव के लोगों को अंधविश्वास से दूर कैसे किया, उसके लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। तो मूवी का कंसेप्ट ये है कि एक राजा है गांव में, जो कि किशन जी की पीढ़ी का एक लास्ट अंश है, जहां के लोग उसकी बहुत ज्यादा सुनते हैं एंड उसका हुक्म ही लोगों के लिए पत्थर की लकीर है, जिसकी वजह से कुछ गलत भी होता है तो लोग उसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठाते। इस वजह से वो वहां के लोगों या मैं बोलूं महिलाओं का किस तरह से शोषण कर रहा था वो सब आपको देखने को मिलेगा एंड उस पे उंगली उठाने का दम सिर्फ एक इंसान पे था, करसर मूलदास जी पे, जिन्होंने हो रहे इस अधर्म के बारे में लोगों को बताया पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था। तो मूवी में आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि उन्होंने कैसे लोगों को जागरूक किया इसके खिलाफ एंड मैं बात करूं मैं अपनी कि मूवी मुझे पर्सनली कैसी लगी। सो मूवी अच्छी तो है, जहां आपको ये टाइम टू टाइम एंगेज तो करती है, बट इसमें एक दो कमियां तो हैं जो कि हाँ आपको भी नोटिस होंगे एंड स्पेशली मुझे लास्ट का सीन थोड़ा सा अजीब लगा, बिकॉज जब राजा को कोर्ट में बुलाया है तो उसके लिए स्पेशल सीट क्यों, बिकॉज वही तो एक जगह है जहां सब लोग इक्वल है। छोड़ो, हमको क्या करना है, 1800 ईयर में शायद मे बी ऐसा होता हो एंड ऑफकोर्स आपको इसमें डर सीन देखने को मिलेंगे, सो यू कैन डिसाइड किसके साथ देखने और किसके साथ नहीं। सो ये थी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी के लेके। अगर आपने मूवी देखी है तो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या है आपके पॉइंट ऑफ व्यू इस मूवी को लेके एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को जरूर शेयर करना एंड तब तक देखते रहिए बोचल वीडियो।